प्रश्न है आपका कि इंडिया में रहने वाले लोग बहुत हार्डवर्किंग करते हैं, उसके बावजूद सफर बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, धर्म ध्यान जप तप भी बहुत करते हैं, फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं, और फॉरेन में रहने वाले लोग इतना कोई पूजा पाठ जप तप करते ही नहीं है, और उनकी लाइफ कुछ इस टाइप की है कि वो बहुत कम कष्ट उठाते हैं और बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, उसका क्या कारण है? यही आपका प्रश्न है ना, उसका क्या कारण है? तो यहाँ देर आर सो मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो यह कि भारतीय आदमी के सोच का तरीका ही दूसरा है और आउट ऑफ इंडियंस के सोच का तरीका ही दूसरा है। हमारे यहाँ पर हर सोच में स्पष्टता का अभाव है, क्लैरिटी नहीं है, हम लोगों के यहाँ विजन की क्लैरिटी नहीं है। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हुए धन की निंदा करेंगे, मोह माया की निंदा करेंगे, इन सबको दुख का घर बताएंगे, इन सबको खारा जहर बताएंगे, और दो घंटे बाद इस खारे जहर को पाने के लिए सारे जहरीले काम अपनाएंगे। सच बोल रही हूँ या नहीं? हमारे यहाँ विजन की क्लैरिटी नहीं, आप चाहते क्या हो स्पष्ट तो बनो। फॉरेन के आदमी के पास में ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो उसका विजन क्लियर है, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। हमारे यहाँ पैसा भी चाहिए और पैसे को वो क्या हाथ का मैल, पैसा तो हाथ का मैल है ऐसा भी कहेंगे, यार लक्ष्मी का अपमान भी करेंगे, लक्ष्मी भी चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे मिलेगी। इसी तरह से घर वालों का प्यार भी चाहिए और बात बात में घर वालों को डांटेंगे, उनकी इज्जत खत्म करेंगे और उनको ये फील करवाएंगे कि तुम तो कुछ समझदार ही नहीं हो, जो समझदार हो वो तो मैं ही आदमी हूं बस, अब बता घर में कैसे प्रेम रहेगा। हमारे यहां बड़ी औपचारिकताएं हैं, बिना रिस्पेक्ट दिए हम कुछ पाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहां बेईमानियां बहुत है। फॉरेन के आदमी में स्पष्टता तो है ही, ईमानदारी भी बहुत है। हमारे यहां तो विश्वास ही गलत है, हर आदमी सोचता है झूठ बोले बिना पैसा हो नहीं सकता, टैक्स तो चुराना ही पड़ेगा, भाई भाई में झगड़े तो होएंगे, मतलब हम लोग मान के चलते और अपने गलत विश्वासों के तहत जिंदगी जीते हैं। हमें एक्चुअल में कहे ना तो धार्मिक लोगों को भी जीने का सही सलीका नहीं आता। और दूसरी बात, ये धर्म करते किस लिए हैं? ईमानदारी से पूछना, धर्म किस लिए करते हैं? मोक्ष वोक्ष की तो सारी बातें हैं, हर आदमी कोई किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, और वो धर्म भी किस लिए करते हैं? धर्म भीरू होने की वजह से धर्म करता है। हम लोग धर्म क्यों करते हैं पता? धर्म भीरू है, धर्म से डरते हैं, पाप बनने से डरते हैं, नरक से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, इसलिए तो धर्म करते हैं। हम कौन सा धर्म समझ के करते हैं? वो लोग थोड़ा भी करेंगे या नहीं भी करेंगे, कम से कम जीने का विज्ञान समझते हैं कि लाइफ कैसे मूव करती है, उसका साइंस समझते हैं, फिर जिंदगी को जीते और खुल के जीते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज औपचारिक है, भूख लगी होगी ना तब भी कोई कह भी देना कि खाना खा लो तो कहेंगे नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, अभी घर से खा के आया हूं। हाँ नहीं बोलते, किसी के घर चले जाओ आप लोग और सामने वाला बोले कि खाना खा लो और आपको भूख भी लगी है, तभी कहोगे नहीं नहीं जी भूख बिल्कुल नहीं, अरे भाभी जी कष्ट मत करो मैं तो घर से खा करके आया हूं। और सपोज वो दोबारा तिबारा कहेगा ना तो खा लोगे, खाओगे या नहीं खाओगे? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पर धर्म के नाम पर भी डर चलता है, रिश्वतखोरी चलती है, क्योंकि हम तो भगवान को साफ साफ रिश्वत देके आते हैं, देते या नहीं देते? मंदिरों में जाते हैं साफ रिश्वत देते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना मैं ये चढ़ा दूंगा, और पहले चढ़ा करके बाद में चढ़ाने का वायदा करके भगवान से अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। बड़े अवैज्ञानिक तरीके से हम लोग भक्ति करते हैं, अवैज्ञानिक तरीकों से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि धर्म को हम समझने की कोशिश भी तो नहीं करते, खाली हम रिवाजों को फॉलो करते हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो धार्मिक होने से, पूजा पाठ जप तप करने से कुछ नहीं होता, और अक्सर देखा जाए तो ज्यादा जाप वही करता है जो ज्यादा डरपोक होता है, ज्यादा लालची होता है, जिसको लगता है जितना ज्यादा जाप करूंगा मेरा धन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, मेरी सुरक्षा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अक्सर लोग इसी वजह से जप तप ज्यादा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि थोड़ा भगवान खुश रहेगा तो मैं जितने पाप कर रहा हूं ना उसका फल मुझे कम देगा। हकीकत है, हम इंडियंस लोगों की सोच ही बड़ी अजीबोगरीब है, इसीलिए हम लोगों का जब तक सब देखा जाए ना तो बड़ा स्किन डीप भी नहीं होता।
जरा सा कुछ घटना चेंज होगी ना, सब छूट जाने वाला है। कुछ घर में एक प्रतिकूलता हो गई तो कहोगे हे भगवान, हे कन्हैया, तेरे से तो मेरा विश्वास ही हट गया, तू मेरा कुछ भला नहीं करता। हम भगवान को भी सीधा तिरस्कृत करके आ जाएंगे, तूने मेरा क्या किया, मैंने इतने सालों तक तेरी पूजा की, तूने मेरा किया तो किया क्या। हम लोग कहा था भक्ति करते हैं, भक्ति को हृदय की होती है, और भक्ति ज्ञान से आए, भक्ति प्रेम से आए, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा। और दूसरी बात, इंडियंस लोग सफर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तंत्र खराब है। केवल एक आध आदमी खराब नहीं है, पूरा सर्कल ही डिस्टर्ब है, पूरी व्यवस्थाएं खराब है, व्यवस्थाएं विकृत है, एक तंत्र खराब है। जब पूरा तंत्र खराब होता है ना, तो एक सही, जैसे समझो एक बगीचे के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो, गंदगी इकट्ठी हो, और वहां पे आप गुलाब के पौधे लगाओ, तो बेचारे गुलाब के पौधे अगर 100 लगाए हो तो 90 तो वैसे ही सूख जाने, वो गंदगी उनको पनपने नहीं देगी, खिलने ही नहीं देगी, और 10 लग भी गए तो उनकी खुशबू नहीं फैलने देगी, क्योंकि 100 गंदगी के ढेर और 10 गुलाब के फूल रख दो तो खुशबू आएगी या बदबू आएगी। तो हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम यह है कि 100 तो गंदगी के ढेर लगे हैं और 10 गुलाब के फूल हैं। वो सच्चे धार्मिक कह दो या सही समझदार लोग कह दो, वो 100 में से 10 लोग मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी के सारे लोग केवल एक भेड़ चाल में अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। इसीलिए इस इंडिया में तंत्र बिगड़ा हुआ होने की वजह से बहुत चीजें बिगड़ी हुई है। दूसरी बात, इंडिया के लोग ऑनेस्ट नहीं है, जितनी समझदारी की बातें हम जानते हैं ना उसको फॉलो नहीं करते। आपने कितनी बार सुना सफाई रखनी, यत्न से काम करना, लेकिन अभी यहां भी खाना होगा ना तो भी लोग सफाई नहीं रखेंगे, यत्न से काम नहीं करेंगे। कितनी बार सुना होगा अपना काम खुद करना, बच्चों को हम कहते हैं अपना काम खुद करना, लेकिन आप इतने बड़े हो गए, आप भी यहां से जाओगे ना, कोई लोग ये नहीं सोचेगा कि कुर्सी का ढेर पड़ा है, अपनी कुर्सी उठा के उसी पे रखूं, हर आदमी कुर्सी छोड़ के ही जाएगा। और मैं इतनी बार यहां कह चुकी हूं, लेकिन मैं रोज देख रही हूं कि यहां कोई एक या दो आदमी मुश्किल से होता है जो अपनी कुर्सी व्यवस्थित रख के जाता है, बाकी सब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट। यहां लिखा हुआ जूते वहां खोलना, ये हर बार बाहर बैठे हुए आदमी को कहना पड़ता है कि जूते वहां खोलो, आंटी जी यहां मत खोलो, क्यों? मतलब छोटी मोटी बातें भी, मैनर्स की बातें भी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग स्वच्छंदी है, शास्त्र में एक वर्ड आता है स्वच्छंदी, मनमानी करने वाला, हम सारे लोग इस तरह के हैं, हम सब अपनी मनमानी से जीना चाहते हैं, हमें डिसिप्लिन पसंद नहीं है, और कोई दूसरा हमें डिसिप्लिन में रहने को कह दे उस आदमी से तो हम मुंह चिढ़ा लेते हैं, उस आदमी से तो अपनी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसने मुझे कैसे कह दिया, हम वहां जाना ही बंद कर देंगे। ईमानदारी की बात है, ये हम साधु इसलिए आप हमें माफ कर रहे हो, बाकी कोई और आदमी आकर के आपको कुछ कह देना अनुशासन के नियम यहां पर, आप कहोगे इस जगह जाने ही नहीं दोबारा, सच है। इसीलिए आसान नहीं है, इंडियंस लोगों को अपने आप को पहले ईमानदार बनाना होगा, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना होगा, और अपने हर कार्य को सही तरीके से करने की कला सीखनी होगी, तब कहीं जाकर के इंडिया फॉरेन कंट्रीज के लोगों की तरह एक सुलझी हुई जिंदगी जी पाएगा। और कम से कम हमारे यहाँ साधु संत भी, सॉरी टू से, गुस्था की माफ मिच्छा में दुकड़म, साधु संत भी लोगों को जीने का सही तरीका नहीं बतला पाते हैं, वे भी लोगों को डराते हैं अथवा लालच से भरते हैं, और साधु संतों के कारण भी हमारे समाज की सभ्यताएं विकसित नहीं हो पाती। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि साधु संत खुद भी समझदार नहीं होने की वजह से इतनी सारी पब्लिक के लेवल को रेज नहीं कर पाते, और फिर जो वाकई समझदार लोग हैं वो साधु संतों के पास आना भी पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते। उसका कारण साधु संत स्वयं है। तो दुनिया में भारत में इतने ज्यादा सन्यासी है, इतने ज्यादा साधु लोग हैं हर धर्म के अंदर, हिंदुओं में भी हजारों भरे पड़े हैं, जैनियों में भी भरे पड़े हैं, इतने साधु हैं, लेकिन वो सारे साधु ईमानदारी से अगर साधु होते तो भारत का कुछ और नक्शा होता, लेकिन हम लोग ईमानदार साधु नहीं और ईमानदार समणोपासक नहीं, अब दोनों में ही कमियां हैं। तो भैया ऑल ओवर कहते हैं, अब जैसा बाप वैसा बेटा, तो करे क्या, है ना। ओके, जय हो। हाँ बोलिए सुनीता जी।